अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है विंडोज़ 10 के लिए अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स कैसे यूज़ कर सकते हो, और वो शॉर्टकट्स आपको कहाँ से पता चलेंगे कि कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं और उनका क्या काम होता है। बहुत ईजी शॉर्टकट बताऊँगा जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी जो है कंप्यूटर के स्किल्स को काफ़ी बेटर कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स जो हैं मैं आपको यहाँ पर विंडोज़ की ऑफिशियल जो है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 सब के जो है शॉर्टकट्स जो है मिल जाएंगे। आप जो विंडोज़ यूज़ कर सकते करते हैं उनका जो है शॉर्टकट सारे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने गूगल पर आकर लिखना है विंडोज़ 10 शॉर्टकट्स, ठीक है, वो लिखना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे शॉर्टकट्स। आपने विंडोज़ 10 पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कैटेगरीज भी मिल जाती हैं सारी। इन कैटेगरीज को आप देख सकते हैं कि कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर ये पेस्ट करने के लिए, अंडो करने के लिए, ये ऐप्स मतलब आल्ट टैब ऐप्स के दरमियान स्विच करने के लिए, और उसके दौरान जो है अगर किसी चीज़ को बंद करना है, इस टैब को बंद करना है, इस ब्राउज़र को, या किसी चीज़ को बंद करना है, आल्ट F4 दबा सकते हैं। अगर आप अचानक अपने पीसी को लॉक करना चाहते हैं, फौरी तौर पे आपको यहाँ से लॉक करना नहीं आता, तो यहाँ पर आप विंडोज़ L दबाएंगे तो आपका जो है वो पीसी लॉक हो जाएगा। तो विंडोज़ जो है विंडोज़ की और D+D को प्रेस करेंगे तो ये डिस्प्ले को हाइड और शो करेगा। ये देखिए विंडोज D किया, डिस्प्ले आ गया और ये वापस मेरे डिस्प्ले पर आ गया। तो यहाँ पर F जो है फंक्शन कीज़ पर आ गए हैं। F1 तो हेल्प के लिए होता है, F2 जो है हमारे किसी भी चीज़ को रीनेम करने के लिए होता है, बाकी भी आप रीड कर सकते हैं। F5 जो है रिफ़्रेश करने के लिए विंडोज़ को होता है। उसके बाद जो है सारी आप पढ़ सकते हैं। कंट्रोल F4 जो होता है क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट होता है। कंट्रोल A से जो है आप ऑल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल D और डिलीट से आप जो है डिलीट कर सकते हैं किसी भी आइटम को। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपने कोई गलती से कोई कॉपी पेस्ट कर दिया तो वो कंट्रोल वाई करेंगे तो वापस उसी जगह पर आ जाएगा। और इसी तरह बाकी शॉर्टकट कीज़ भी आप लोग यहां से देख सकते हैं। विंडोज़ लोगो कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको मिल जाएंगी नीचे जाकर कमांड प्रॉम्प्ट जो है कीज़ हैं। उसके बाद जो है डायलॉग बॉक्स शॉर्ट की हैं, फाइल एक्सप्लोरर शॉर्ट की हैं, और उसके बाद सेटिंग कीबोर्ड शॉर्ट की हैं। इस तरह काफ़ी शॉर्टकट कीज़ जो आपको मिल सकती हैं इस पर। यहाँ पर विजुअल डेस्कटॉप शॉर्टकट कीज़ हैं, टास्क बार की शॉर्टकट कीज़ भी आपको अवेलेबल हैं। तो ये शॉर्टकट्स आपको जो है आप जस्ट आपने लिखना है विंडोज़ 10 शॉर्टकट्स आप लिखेंगे तो आपको ये आ जाएगा शॉर्टकट्स। तो ये आपको यहाँ से पहली वेबसाइट को आप विज़िट करेंगे तो आपको ये शॉर्टकट्स सारे शो हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।